जन्मेजय अपने कुर्सी से उठा भी नहीं, वेद व्यास को बरविदाई भी नहीं दिया, तुझे रुपया आओ भाई जंगल जाना है। वेद व्यास जी चले गए और ठीक एक महीना के बाद तीसवां दिन डेट के अनुसार ठीक दरवाजे पर एक घोड़ा वाला आ गया मदाड़ी। इस राज में चर्चा होने लगी, महाराज घोड़ा गजब का आया है, यदि यह घोड़ा तो लोग कह रहा है कि आकाश में चलेगा, बात से हवा से बात करेगा, नदी में भी चलेगा, तो गजब है। कहते अच्छा, अरे यह वेद व्यास कहा है मत बात करो उसकी, कहा कि वो कहे हैं ना चढ़ने के लिए, लेकिन उस घोड़े को हम लोग खरीद लें, खरीद करके रखें तो उसमें क्या लगता है चढ़ेंगे नहीं। आग ठीक कह रहे हो, खरीद लो। घोड़ा खरीद कर अंदर आ गया, कहा अस्तवल में बांध दो, चढ़ेंगे नहीं, अस्तवल में बांध दिया गया। लेकिन जब घोड़ा चढ़ने वाला दो अखड़े में लड़ने वाला ताल ठोकता है तो लड़ने वाला को रह नहीं जाता है, घोड़सवरिया यदि घोड़ा पर चढ़ जाए तो भी नहीं रहता है। एक घोड़ा पर चढ़ रहा था तब तक से यह घोड़ा हनहनाया हनहनाया, कहा लाओ, और यह जन्मेजय उस घोड़े पर चढ़ गया, खुद का चढ़ा था। घोड़े हवा से बात करने लगा, हवा से बात ऐसा क्या कहा कि हम चार दीवारी से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन वह जो घोड़ा हवा से बात किया चार दीवारी से छलांग लगा गया बाहर, चला जाएगा ना। कहा कि चल तुम जिधर चलेगा मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, दक्षिण दिशा में ही घोड़ा चल दिया। कहा कि चल लड़की से मैं थोड़े बात करूंगा, इतना बुड़बक हूं। वो जहां लड़की जंगल में रो रही थी वहीं जाकर घोड़ा खड़ा हो गया। कहा कि बड़ा मूर्ख है यार, खूब रो रही थी। कहा कि चलो अच्छे से बात करने में कुछ तो रो, क्यों रो रही है। लड़की से उतर कर पूछे क्यों रो रही हो बाला, देखा कि बहुत गजब की सुंदर है लड़की, क्यों रो रही हो। कहा कि जाओ ना अपना काम करो, हमारे दुख से तुमको लेना देना है क्या। कहा जानती नहीं हो मैं राजा हूं, यदुवंश का श्रेष्ठ राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, क्षत्रियों का अहंकार बड़ी जल्दी आता है, आ गया अहंकार। कहा कि तो क्या कर लेगा। कहा कि जो कहोगे मैं तुम्हारे दुख दर दुख कर दूंगा। कहा कि हमारे भाग में लिखा है शादी नहीं, शादी कर लेगा। ज्योतिषी लोग कहा है कि हमारे भाग में नहीं लिखा है, कर लेगा, क्यों बकवास कर रहा है, चल कर लिया, आओ बैठ मेरे घोड़े पर। घोड़े पर बैठ कर यू ही बैठी, घोड़ा मुड़ गया, राजमहल में आ गया। राजमहल में आ गया, पटरानी बना दी गई, सब लोग विचार करने लगे महाराज आगे मत बढ़िए, यज्ञ मत करिए। कहा नहीं करूंगा, हो गया। तब तक से कुछ ही दिन के बाद महारानी कही कि देखिए मैं संकल्प ली हूं कि एक अश्वमेघ यज्ञ करूंगी। कहा ठीक, अश्वमेघ यज्ञ शुरू हो गया। जवान काशी के पंडित भी आ गए। घोड़े के अश्वमेघ यज्ञ में एक एक अंग का पूजा किया जाता है, जानता है ना। घोड़े का अंग का पूजा करते करते लिंग का पूजा जब करने का विधान आया, महारानी जब लिंग पर चढ़ाने लगी फूलमाला, अच्छा पंडित जवान थे हंस दिए, जवान पंडित सब हंस दिए, हंस दिए। महारानी थाल पटक दी, तुरंत थाल पटक दी, तलवार राजा घींचा और ब्राह्मणों का सर धड़ा लग कर दिया, दक्षिणा मिल गई और पूरा देह इनका कुष्ठ हो गया। हो गया ना। अब जब पूरा देह कुष्ठ हुआ तो कुष्ठ कलंकित राजा को गद्दी पर नहीं बैठाया जाता है, अपंग राजा को गद्दी पर नहीं बैठाया जाता है, राज गद्दी से उतार दी गई। अब वेद व्यास याद पड़ने लगे, जो पहले महारानियां थी, रानी थी इनकी पटरानी, वो सब कही कहां से नलायक लाया तुम, हमारा खानदान नाश की, ये भी रोने गाने लगे। रात में देखे तो न वह रानी है न घोड़ा है, दोनों गायब, माया महल गायब, माया महाठगनी हम जाने। तब पटरानी लोग जो थी रानियां कही कि भाई वेद व्यास को बुलाओ। वेद व्यास वही बद्रिका धाम में लोग गए, बद्रिका धाम में कहे कि महाराज ऐसे ऐसे हो गया। कहा हो गया, इतना हम बता दिए कोई नहीं काट सका, इस बात को सच करने के लिए मैं भी कई आदमी को बताया, एक आदमी नहीं काट सका।
एक दो आदमी के दासा जी जानती है साक्षी। जब तक से तू अपनी मन के वृत्तियों को छोड़ेगा नहीं और मन के वृत्तियों को छोड़कर गुरु के शरणागत नहीं हो जाएगा, तब तक से काटना असंभव है बंधुओं। तुम अपना भी सोचे और अपनी मन को सोच करके उस काम में लगाओ। सोचे सोच न हो भाई, जो सोचे लखबार। सोचते 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 तुम अपने अपने को अपने में आबद्ध कर लेता है, बुरी तरह से बांध लेता है, होगा नहीं। सोच की सारी प्रक्रियाओं को छोड़ दो गुरु पर एक बार, एक जन्म के लिए। यदि एक जन्म के लिए तुम छोड़ देता है सोचने की प्रवृत्ति को, तो हो सकता है कि तुमको वहां से वह मुक्त कर दे। लेकिन वह संस्कार तुझे छोड़ेगा नहीं, संस्कार धक्का देगा। संस्कार से लड़ना ही संन्यास है, संस्कार से मुक्ति हो जाना ही संन्यास है, और संस्कारों में आबद्ध होकर के उसके अनुसार चलना, लगातार संघर्ष करना ही संसार है। अब तुम संसारी है या संन्यासी है अपने में यह समझ लो। वस्त्र पहन लेना मेरे तरह दाढ़ी बढ़ा करके बैठ जाना संन्यासी नहीं है। संन्यासी, संन्यास लेना एक आर्ट है, एक कला है, मन का खेल है। और जब तक तुम अपने संकल्प और विकल्पों से मुक्त नहीं होता है, दूसरी भाषा में समझ लो, संकल्प और विकल्पों से मुक्त होना ही संन्यास है। और संकल्प और विकल्पों में बार बार लगे रहना, मैं यह कर लूं यह कर लूं यह कर लूं, संसारी हो। जितना संकल्प लेगा उतना चक्कर पड़ते जाएगा पड़ते जाएगा। संकल्प तुझे मुक्त नहीं होने देगा। चाहे यह संकल्प लेकर के तुम मर जाओ, तुमको हजार जन्म लेना पड़े, लेकिन उन संकल्पों को तुझे पूरा ही करना पड़ेगा। तुम समझ गया कि नहीं, इस जन्म में मर गए पूरा हो गया, नहीं। तू जितना संकल्प लिया, तुम में जो है उस मेमोरी में, उस ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया गया, और उस सबको तुमको घूमना पड़ेगा, चाहे एक जन्म लो या हजार जन्म लो। तुम इस जन्म में भी जन्म लेकर फिर संकल्प लेने लगा कि मेरा यह उत्तरदायित्व होता है, यह कर्तव्य होता है, यह उत्तरदायित्व। जो असली उत्तरदायित्व होता है और कर्तव्य होता है उसको तो भूल गया ना, नकली उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को पकड़ लिया। तब काम चलेगा नहीं। फिर वेद व्यास जी को बुलाया गया, पूरा शरीर कुष्ठ होकर के रोने लगे, कहे कि चलो मैं महाभारत कह रहा हूं कि कथा, तुम्हारे खानदान पूर्वजों की कथा है, तो महाभारत की कथा है ना, मैं लिखा हूं उसको, तू सुनो श्रद्धा से। अब तर्क तो नहीं करेगा, तो ना कान पकड़ता हूं ठीक से कान मन नहीं पकड़ रहा है, तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है। कहा कि नहीं। वेद व्यास जी को साष्टांग प्रणाम किया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तू काहे के हो। कहा कि चलो तुम जहां भी तर्क वितर्क करेगा, संशय करेगा, मैं वहीं छोड़कर चला जाऊंगा, और तुम्हारा रोग वहीं वहीं पर रुक जाएगा। नहीं नहीं, उनकी पत्नी भी बैठ गई और कथाएं होने लगी, भगवान हरि चर्चा होने लगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि की कथा जब होने लगेगी तो हरि के इर्द गिर्द उनके भक्त भी तो हैं, उनका भी कथा आ जाएगा। हरि के भक्त अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, दोनों तो उसी के हैं ना। कालिया जब उनका काम सांप कथा आएगा तो कालिया नाग भी आ जाएगा, धर्मराज आएंगे तो दुर्योधन भी आएगा दोनों आएगा ना, दिन आएगी तो रात भी आएगा। जब वो कथा कहने लगे, जैसे जैसे वो कथा सुनते ठीक होने लगे, यहां तक आ गए ठीक। जब कहे कि भीम ने एक हाथी उठाया और उठाकर बिग दिया ऊपर आकाश में, मरणाने लगा और इस गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला गया, वो लौटा नहीं। जन्मेजय कहा कि अब झूठ की हद हो गई, अब नहीं सुनूंगा, हम भी रहे हैं,
हम तो एक ढेला फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण पार नहीं करता है, हाथी फेंक दिए पार गए गया, आखिर उन्हीं का खून में ना है। वेद व्यास जी झूठ का हद हो गया, अब हमसे नहीं सुना जा रहा, हद हो गई ना। वेद व्यास भी उठे और चले गए, क्या करेंगे, बद्री का आश्रम फिर चले गए। सारा कुछ तो ठीक हो गया लेकिन यहां से मुंह पर ही रह गया, पेट टूट में रहता तो काम चल जाता, साइन बोर्ड पर रह गया। अपंग और अभंग राजा को गद्दी पर बैठाया नहीं जाता है, सुदर्शन होना चाहिए राजा। अब क्या होगा, फिर पटरानी जो थी, रानी जो थी, फिर अपने वेद व्यास जी के यहां गई, दुख रोक रोई कि तुम लोग तो मानती है, वो कहां मानता है, कहा इस बार नहीं बोलेंगे, इस बार चलिए कहिए। फिर इस बार फिर आए, सष्टांग प्रणाम किए कि महाराज भूल हो गई, देखो तो तुम लोग कहते अपने पर ही नजदीक लोग अपने पर विश्वास नहीं करते हैं, जितना नजदीक रहेगा उतना विश्वास नहीं करेगा। आश्रम में भी जो जितने नजदीक गुरु जी के रहते हैं ना उतना अविश्वास करता है ना जी। देखो ये लोग जितना नजदीक रहने वाला उतना कहेगा गुरु जी दिन भर डांटते हैं, बड़ा सिद्ध बने। फिर आए एक बार, दोनों को देखता है ना, दोनों रत्नेश, दोनों को लेकर मध्य प्रदेश जंगल में गए थे एक दिन। मध्य प्रदेश में आश्रम है ना, झोपड़ी लगी थी उसको, दोनों को लेकर गए थे, ये दोनों थे। खूब वर्षा होने लगी, झोपड़ी चूने लगी, कहे कि रत्नेश जरा ऊपर चढ़कर झोपड़िया ठीक कर दो, नहीं चूएगा। गुरुजी, रत्नेश कहा गुरुजी काम तो नहीं होगा, तो सोचा कि अब इसको चढ़ना पड़ेगा। कहा कि गुरुजी इतना बड़ा हम लोग पाप करेंगे कि आप नीचे बैठे हैं, आपके सर पर हम लोग बैठे हैं, ये नहीं होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। गुरु जी किसी तरह से बूढ़ा आदमी चढ़े ठीक हो किए, कहे कि अच्छा अब एक काम करो, प्रसाद बनाने का टाइम हो गया है, लकड़ी लाएगा बाहर से, जब साधु साथ बना दें, संध्या हो रहा है, फिर संध्या वंदन करना है। कहा गुरु जी आपने जो दिया है ना 1000 मंत्र जाप करने के लिए, ये 500 हुआ है, आपका आदेश हम नहीं छोड़ेंगे, अभी 500 जाप करने दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने लगा से। दोनों बैठ हमने जगह हाँ यहीं बैठा सुंदा, अंत में हम क्या करें, लकड़ी कोई लाया, खाना वाना बना दिए, खाना वाना बनकर तैयार हो गया। कहे कि अब देखो अब जरा जा रहे हैं हम, एक काम करेगा तुलसी दल डावल जरा भोग लगा दे ठाकुर जी को, तुलसी रत्नेश तुलसी पत्ता ले, वर्षा हो रहा था, कहा कि तो बड़ा काम, तुलसी जी का पत्ता ही कैसा होता है, नीम के पत्ती को तुलसी पत्ती कहते हैं ना, नीम नीम कहा कि ये कहा कि लाए तो बड़ा ही चढ़ा कर गया, कहा कि रे पागल नीम की पत्ती तुलसी है, तब धिया नहीं बोता लौकी, लौकी उसकी पत्तिया ले। अच्छा भाई चलो समझ गए, पति ले आए भोगों को लगाए। कहे कि अच्छा तुम ले काम करो बच्चे, मंत्र पूजा हो गया होगा ना, कहा हाँ गुरु जी अब पूरा हो चला है, तो तुम लोग प्रसाद पा लेना, मैं नदी से घूम कर आ रहा हूँ, खेतों जरा देख लूँ पानी उनी टिका है कि नहीं, बांध हो दू, वर्षा काल है, मेड़ो टूट जाता है ना, तब तक तू पा लो। कहा ठीक है गुरु जी, देखिए किसी न किसी परिस्थिति बस आपका तीन तीन आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, चौथा आज्ञा का उल्लंघन हम लोग नहीं कर सकते हैं। आए हम दोनों अपना खा पी करके, बर्तन उन्होंने उलट दिया था और अपना सो गया खाट पर। हम कहने क्या बचा, खा लिया प्रसाद, हाँ गुरु जी खा लिए, कुछ छोड़ा नहीं। कहे गुरु जी वर्षा पड़ रहा है ना, आप बूढ़े हैं तो आपके खाने पर पेट में गड़बड़ी हो जाएगा ना गुरु जी, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हुए भी सब खा गया। अच्छा कि अच्छा चलो सो गया,
एक काम करो, लालटेन जल रहा है उसको बुता दो, हम भी सोए। कहा गुरु जी, आप कहते हैं ना कि मुदी आंख कताऊं कछ नाई, चादर से आंख पर डाल लीजिए, अंधेरा हो जाएगा, सो जाइए। अच्छा चलो ठीक, समझ गया। तो गुरु जी के भी नजदीक जितना रहेगा उतना तर्क करके अपना काम चला लेगा, नहीं समझेगा। तो जनमेजे बेचारा इतना कह दिया तो कौन ज्यादा कहा। वेद व्यास जी गंभीर थे, बुजुर्ग थे, महात्मा थे, बार बार वो जानते थे कि यह गलती करेगा ही, लेकिन क्रोध तो उनको करना चाहिए। उतना दूर से आ रहे हैं बद्रीनाथ से पैदल, क्रोध तो इनको करना चाहिए कि मैं नहीं जाता, लेकिन उनमें क्रोध नहीं हो रहा है, घर में बैठे सुनने वाले को क्रोध उत्पन्न हो रहा है, हो रहा है ना। क्योंकि वेद व्यास का अपना स्वभाव है, उस जन्मेजय का अपना स्वभाव है, उस परम पवित्र कुल से आया है जहां कृष्ण ऐसे नाना, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ऐसे दादा। सुभद्रा ऐसी दादी, ये सब जीन इनहेरी कर रहा है ना। लेकिन तुम्हारे जाने और अनजाने तुम्हारे मन में एक छोटा सा भी विष वृक्ष रह जाता है, बहुत छोटा सा, अनजाने में भी वह समय पा करके वह विष वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और तुरंत ही उसमें फल लग जाते हैं विष के, और वे फल तुरंत फल दे देते हैं जो तुम्हारे सारे जीवन को समाप्त कर देते हैं। इसलिए ठीक ठीक जो गुरु होता है, सदगुरु होता है, तुम्हारे विष वृक्ष पर ध्यान रखता है, उस वृक्ष बीज को आमूल रूप से जब तक से वो उखाड़ कर फेंक नहीं देता है तब तक से तुम पर छड़ी चलाते रहता है, चाहे वह छड़ी तुम्हारे डांट का हो, फटकार का हो, चाहे वह थप्पड़ का हो, वह छड़ी तब तक से चलता रहेगा अश्विनी जब तक से तुम्हारे अंदर से वह विष वृक्ष निकल ना जाए। वो तुम उस विष वृक्ष को देख नहीं रहा है, नहीं तुम्हारे इस एक्सरे से वह आएगा, वह गुरु के आंख के एक्सरे में ही आएगा, तब तक से उसका आप पर प्रहार होते रहेगा, होते रहेगा। उतना प्रहार बर्दाश्त करने की क्षमता है, जब तक से उतनी तो क्षमता क्रिएट नहीं करते हो तब तक से गुरु जो है उस टेक्निक की बहुत सी छोटी सी टेक्निक है, तब तक से उसके प्रति मौन रहता है। समाधि में जाना बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है बच्चे, वो भी एक टेक्निक है, बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, बहुत छोटी टेक्निक है। आपको जीवन में परिवर्तन कर देने के लिए बहुत टेक्निक नहीं है, आपको इस जीवन में सफलता प्राप्त दे देने के लिए बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसके लिए एक भूमि तैयार होना चाहिए। यदि इस बिल्डिंग को 10 मंजिल ले जाना है तो उसके अनुरूप ही उसके फाउंडेशन भी करना होगा ना। यदि तुम्हारी फाउंडेशन नहीं हुआ, ठीक ठीक फाउंडेशन कोर्स नहीं हुआ, तो यह बिल्डिंग नहीं जाएगी, चरमरा कर गिर जाएगी ना। इसलिए आपके द्वारा किया कराया गया योग, जप, त्याग, पूजा पाठ, संस्कार, सब केवल एक ही है, फाउंडेशन बनाना, आपको पात्रता, पात्रता लाना, आप में क्षमता लाना। यदि क्षमता आ गई तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है।